हाय दोस्तों, तो कैसे आप लोग दोस्तों? एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हो। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी शुड हैव अ 30 सेकेंड साइलेंस फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स एंड ऑल द क्रिकेट फैंस हु ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे जस्ट टू एक्सपीरियंस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बट दे कुड नॉट। जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो पाकिस्तान से आए पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए। पहले बताता हूँ मेरा दिन कैसा गुजरा, उसके बाद हम इनसे भी पूछेंगे इनका मैच कैसा रहा। मैं सुबह उठा, रेडी हो गया, मैंने पैकिंग की, मैंने कहा चेकआउट करते हैं और मैच के बाद इंशाल्लाह जीत के सेलिब्रेट कर करके हम कोलंबो चले जाएंगे। पैकिंग कर रहे हैं, ये जाके होटल रिसेप्शन पे बैग रखेंगे, उसके बाद मैच पे जाएंगे क्योंकि उस तो बाद डायरेक्ट आपा कोलंबिया निकल जाना है। बिलाल भाई कोरिया जा रहे हैं और मैं कल जाऊंगा फोर्थ को पाकिस्तान। लेकिन जिंदगी में यू प्लान बट द बेस्ट ऑफ प्लानर्स इज अल्लाह। आप तो बड़ा कुछ प्लान करते हो लेकिन चीजें वैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग फिर भी करनी चाहिए। प्लानिंग इज अ गुड थिंग, ठीक है। हमने अपना दिन प्लान किया, ऑफ कोर्स हम पॉजिटिव थे, हम ऑप्टिमिस्टिक थे। वेदर फोरकास्ट बुरा था, सुबह कभी न्यूज़ आ रही है बारिश हो रही है, नहीं हो रही बारिश, नहीं हो रही हो रही है, अब समझ नहीं आ रही, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक थे। लेसन नंबर वन, ऑप्टिमिज्म बॉयज एंड गर्ल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टेडियम चले गए, मैच स्टार्ट हुआ। नहीं, उससे पहले मैंने और क्या किया, गाड़ी में बड़ा शुगर लगा, गाड़ी में शुगर लगा। आनंद सिंह, परमजीत सिंह, हमने नए दोस्त बनाए कल होटल में, उनके साथ हमने राइड शेयर की, रास्ते में शुगर मेला लगाते गए। आपने रील भी देखी होगी टायर पंचर होने वाली। करते कराते स्टेडियम पहुंचे, मैच स्टार्ट हुआ। इंडिया ने बहुत अच्छा शुरू में खेला लेकिन एकदम फिर जो विकेटें गिरी, भाई वहां पे विकेट गिरी कोहली की, शाहीन की। कोहली से ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इंडियन फैंस की 23 अक्टूबर के बाद, और ऑफ कोर्स ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट जिस वक्त कोहली की विकेट गिरी, इंडियन फैंस के हालात जज्बात बिल्कुल बदल गए और एक थम शाहीन ने रोहित की भी विकेट ले ली और वहां से मोमेंटम फुल टूट गया। जैसे ही मोमेंटम टूटा बारिश हो, नहीं उससे पहले भी बारिश की वजह से मैच रुका, उसके बाद भी रुका करते कराते, लेकिन आई थिंक वो बारिश की वजह से जो मैच रुका उसका फायदा पाकिस्तानी टीम को ज्यादा हो गया। और आज देखें हिस्ट्री कायम हो गई कि पहली दफा एक टीम ऑल आउट हो गए और वो भी पेसर्स के थ्रू। देखो मैं पर्सनली आई एम अ क्रिकेट फैन, मुझे होता है वन साइडेड अफेयर तो लाइफ में होना भी नहीं चाहिए, मोहब्बत भी टू वे होती है। मैच मजेदार हो, कॉम्पिटिशन हो, मजा आए देखने का, इट्स गुड। बट रेन खिलाफ थी आज, मुझे 75 ईयर्स के बाद पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठे नजर आए एक चीज पे, यूनाइटेड के बारिश ना। कफन उठा के देख लेना होटो पे तेरा ही नाम। बट वो बारिश ने, बूंदा बांदी ने मैच हमसे छीन लिया। मैं ही नहीं, इंडिया से कितने लोग फ्लाई करके आए थे ये मैच देखने के लिए, बट वो नहीं हो पाया। 267 का टारगेट दिया, ऑल आउट हो गई टीम। अभी भी हम ने कहा मैच मजेदार हो सकता है। आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट बाबर रिजवान, चाचू टीम फॉर्म में है, बट यू नेवर नो, दिस इज क्रिकेट, क्रिकेट इज अनप्रडिक्टेबल। बिल्कुल मैच स्टार्ट होने वाला, बारिश हो गई, उन्होंने फिर कवर कर दी। वो माशाल्लाह एक तो श्रीलंकन लोग इतने तेज हैं, जैसे हम फेस मास्क लगाते हैं इस तरह वो ग्राउंड पूरा कवर देते हैं, पूरा ग्राउंड कवर। बारिश हो रही है, रुक रही है, फैंस कुछ बंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, स्टेडियम में कॉफी मिल नहीं रही। लेकिन मैंने कहा ये कैंडी का डिसीजन किसका था, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस मैच का कैसा रहा? जब हम जीत रहे तब तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बारिश ने सारा मूड खराब कर दिया। मूड इसका खराब करती है, जब जीत रहे थे बहुत मजा आ रहा था, बारिश ने मूड खराब कर दिया। जब बारिश ने, बारिश की वजह से मैच की अनाउंसमेंट आया ना कि मैच नहीं हो रहा, मेरी पता क्या फीलिंग थी ऐसी। आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट, किस मोमेंट पे आपको लगा कि मैच हमारे हाथ में और हमारे हाथ से अब मैच निकल रहा है? जिस टाइम बारिश के बाद पहली विकेट रोहित की गई ना, उसके बाद मैंने कहा मोमेंटम बन गया, और उसके साथ ही कोहली की जब गई
तो फिर वो एक फीलिंग आती है ना, रोहित कोहली टू बिग फिशेस जब गई है, मुझे उस वक्त लगा कि वी हैव गॉट इट। बट मैं बताऊंगा ओवरऑल लर्निंग कब ये है कि हमारी फील्डिंग बेहतर हो सकती थी, हमारी फील्डिंग आज कोई इतनी अच्छी नहीं थी, हम लोग लाइट हो गए थे और लाइट नहीं हो सकते। ये देखें फिटनेस इज की, विदाउट फिटनेस यू कैन नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। थोड़ी फील्डिंग बेहतर होना लिए ठीक है, वरना देखो शराब का कैच अच्छा, लेकिन कुछ कुछ कैचेस बहुत अच्छा स्पिनर की इसने मार की, वो स्पिन का फेस था लंबा जिसके अंदर वापस यार। अच्छा हाउ कैन वी फॉरगेट हार्दिक और ईशान की पार्टनरशिप, हार्दिक ईशान की जो पार्टनरशिप थी उसने वापस गेम उठाई, गेम वापस स्टेबल हो गई इंडिया के लिए, इंडिया के फैंस का कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। और इसमें ये भी देखते हैं कि सिंगल डबल की कितनी इंपॉर्टेंस है आज देखने को और देखो उनकी पार्टनरशिप तो ऐसे मुझे लगा कि वो मोहब्बत थी उनके बीच में, जैसे जो लवर्स नहीं होते ऐसे, हार्दिक और ईशान दो मुझे वीर जारा वाला सीन लग रहा था उन दोनों का। लेकिन फिर जब पार्टनरशिप टूट अमेजिंग रनिंग वो पार्टनरशिप, लेकिन शाहीन ने जो तोड़ी 87 पे हारिस रहो सॉरी, और वो 87 था, वो 100 नहीं होने दी, 100 नहीं होने दी, ईशान की भी शान दोनों की 100 नहीं होने दी, लेकिन वहां से मोमेंटम जब टूटा ना फिर आखिर 7 ओवर ने फास्ट बॉलर्स ने आके। लेकिन ये जो मैच नहीं हुआ आपकी क्या फीलिंग इस पे, आप बताएं आपकी क्या फीलिंग, आप करें आप आगे बताएं। बहुत हम 100% श्योर थे कि आज हमारी विन है, इजी विन थी, लेकिन अफसोस बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम परेशान हो बहुत, अब बारिश भी ऐसी थी ना कि आती थी फिर थोड़ी सी उम्मीद आती थी कि जी वो गई, तिरपाल हटा रहे होते थे फिर वो, लेकिन होप कितनी बड़ी चीज है, थोड़ी सी बारिश कम होती थी होप मिलती थी। अच्छा गाइस एक चीज जल्दी से सुन लो, एक तोहफा ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, जो यूके यूएस यूरोप कनाडा या यूएई में अगर आप पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हो तो प्रोमो कोड मोमिन अगर यूज करोगे ना तो आप अपनी अमाउंट के ऊपर एडिशनल आपको $10, $10, $10 मिलेंगे, और अगर आप यूएई में हो वही ना साडा स्पेशल प्यार है तो आपको 50 धर्म्स मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको यूज करके टैप टैप सेंड के थ्रू पाकिस्तान पैसे भिजवाओ, बाकी ब्लॉग देखो ब्लॉग देखो ब्लॉग देखो। याद रखना लोग रोटी के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, होप के बगैर लोग नहीं रह सकते, और होप मिलती थी। एक तो इन्होंने भी मजाक किया, ग्राउंड खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, ग्राउंड खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, मजाक ही गए यार यहाँ तो तुम यार इस तरह तो नहीं होता ना यार, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने अपने ये वाले ग्लासेस पकड़ लिए थे, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड टू सी व्हाट इज हैपनिंग लेडीज जेंटलमैन। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अनदर मैच, वी हैव अनदर मैच ऑन द 10th, a big match. I want you to get ready. Are you ready for the match? Yes. Are you ready for good cricket? Oh, yes. Are you ready to not experience rain? Yes. Yeah, definitely. Are you? और ये फाइनल को किस तरह देख रहे हैं? फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोबारा, और पाकिस्तान फॉर। अच्छा देखो मैं तो चाहता हूँ एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ही हो। देखो क्योंकि जो मजा जो एक्साइटमेंट लेवल्स है वो, क्या तुम क्यों हो क्रिकेट के फैन बताओ? क्योंकि एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम है। मैम आई डोंट नो डबल्स वाली लगी है। अनप्रेडिक्टेबल गेम तो लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल है, बंदे को तो ये नहीं पता बंदा सुबह उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, तो मैं इस वजह से क्रिकेट पसंद है। ये तो है एक जज्बा है। क्यों हुआ कैंसिल? क्यों हुआ कैंसिल? ये बारिश क्या है? ये कैंडी के बादलों से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको आज ही आना था, बात करना जरूरी है। बॉयज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कैंसिलेशन? कैंसिलेशन बहुत दूर से आए थे लेकिन हम चाहते थे कि पूरा मैच एक्सपेक्टेशन। आई थिंक वी शुड हैव अ 30 सेकंड साइलेंस फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स and all the cricket fans who traveled a long way just to experience Pakistan versus India but they could not. 30 second silence. A few moments later. हो गए 30 सेकंड, क्या हुआ ये क्यों हुआ? यार लेकिन आज विराट का बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इंडियंस के लिए भी नहीं मुझे भी था यार, लेकिन जो विकेट गिरी है क्या विकेट गिरी है क्या बात। बट हार्दिक ने आज परफॉर्म कर दिया फिर से, एक दफा पहले भी हार्दिक ने हमारे खिलाफ बड़ा हैवी परफॉर्म किया। वो भी हमारी बदकिस्मती थी, फास्ट बॉलर्स के ओवर्स निकल गए थे, ये अगर लगे रहते ना कॉन्स्टेंटली तो मेरा ख्याल वो भी ना। देखो विदाउट अ डाउट कुछ कंसर्न्स हैं इंडियन बैट्समैन के, अब इंडियन लोगों के उनके लिए होंगे। देखो क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक आज ठीक था, बहुत अच्छा था, अंडरएस्टिमेट किया। हां हां तो वी वांट अ गुड गेम, वी वांट अ गुड गेम फॉर द 10th। I want you all to get ready. I want you to have fun, ladies. German Asia Cup is ready. और मैं एक और बात बता दूँ, मेरा दिल तो बड़ा है कि मैं अहमदाबाद भी आऊँ, लेकिन दिल है उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट भी चाहिए होगी, आपका मदद भी चाहिए होगी। भाई सही जाओ, भाई मेरे अगर आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं रोज आपके साथ अपनी थॉट्स शेयर करूं, मैच रिलेटेड, प्यार रिलेटेड, जिंदगी रिलेटेड। इन जैसा बंदा कहीं नहीं मिलेगा, इनके जैसा नहीं मिलता। ये सब ये सब आज आपकी ओली लाइन लगती है, एकदम जिंदगी बदल गई। आज जो बारिश ने किया उसकी वजह से वक्त बदल गया, जज्बात जिंदगी बदल गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो बस, लव यू। दोस्तों ये थे मोमेंट साकिब, और इनकी वो वीडियो तो देखी होगी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मारो भाई मुझे मारो।
तो ये उसी से मशहूर हुए और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, क्रिकेट के ऊपर ही व्लॉग्स बना रहे होते हैं, जो भी क्रिकेट के इवेंट चल रहे होते हैं उसको कवर कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत मज़ा आया देख के। इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बात करेंगे अब इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो यार क्या बोलूँ मैं, सो के उठे, अब मैच देखने स्टेडियम तो गए नहीं थे, सो के उठे, टीवी लगाया, बैठ गए, देख रहे हैं बैठे बैठे यार किसी तरह जल्दी से मैच स्टार्ट हो जाए और मैच देखना स्टार्ट करें। मैच देखना शुरू किया भाई, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने बॉलिंग ज़बरदस्त कराना शुरू कर दी, यहाँ पे विराट कोहली भी चले गए स्टेडियम में वापस, और मतलब बेहतरीन किस्म की बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन शाह आफरीदी ने 60 रन पे 4 आउट कर दिए, मज़ा आने लग गया। फिर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने इनिंग संभाल ली, वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली, बेहतरीन बैटिंग करी, इंडिया को प्रेशर से बाहर निकाला, एक अच्छा फिनिश की तरफ लेके गए, फिनिश कर नहीं पाए पर बहुत अच्छे टोटल की तरफ ले गए, और 266 का टोटल दे दिया था, तो वो भी नहीं बनता अगर ये दोनों बैटिंग नहीं करते। पर इन्होंने अपनी टीम को बहुत बहुत बुरे हालात से बाहर निकाला, बहुत ही प्रेशर में बैटिंग, इन दोनों की तारीफ जितनी की जाए कम है, पर यहाँ पे पाकिस्तान के बॉलर्स की भी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी इंडियन जैसी बैटिंग लाइनअप वाली टीम को ऑल आउट कर दिया, तो बड़ा मज़ा आया देख के। पर मैच अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हुआ, अब उम्मीद है कि भाई फाइनल में दोनों की दोनों टीमें आपस में टकराएंगी और फिर और मज़ा आएगा देखने में। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, और अगर पहुँचेगी तो कितना मज़ा आने वाला है, और आप लोग क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो चली गई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।